एक ओर फिरका परस्त ताकतें जहां देश के एकता, भाईचारे और अखंडता को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं, तो वहीं देश में कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरदोई जनपद में भी एकता और भाईचारे की एक ऐसी ही अनोखी मिसाल उस समय देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आरिफ खान सानू ने कांवरियों के जत्थे पर पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता आरिफ खान सानू ने कांवरियों को जलपान भी ग्रहण कराया। भाजपा नेता आरिफ खान सानू के साथ पुलिसकर्मियों ने भी कांवरियों के जत्थे पर पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भी कांवरियों के ऊपर पुष्प बरसा करते हुए दिखाई दिए। आज हरदोई से आरआर कॉलेज से कांवर यात्रा निकली थी। ये भगवान भोलेनाथ के सम्मानित और श्रद्धापूर्वक भक्त लोग हैं जो अपनी आस्था के अनुसार भगवान पर चढ़ाने के लिए, जल लेने के लिए गंगा जी जा रहे थे। आज हमने अपने घर के बाहर इन सबका तहे दिल से स्वागत किया है और अपने ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि हमारा आपसी भाईचारा यूं ही सदा कायम रहे और फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिले। जय हिंद, जय भारत।